व्हाट्सअप यूट्यूब, दिस इज रोहित कतरियन बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जो सब्सक्राइब बटन के साथ में है। उसका फायदा ये होगा जब भी मैं अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा तभी आपको पता चलेगा। तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ उस घंटे को हिलाना ना भूले। लौंडा 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 कैसे हो? तो ये वीडियो है खासकर उन लोगों के लिए जिनको जिम में जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हुए हैं। तो आपको अगर 4 महीने से कम हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिसको 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो भी देखें, क्योंकि ये वीडियो सब लोगों के लिए हेल्पफुल है। मैं बताऊँगा बिगिनर वर्कआउट कि आप अपना जिम में बेस कैसे बना सकते हो, क्योंकि जो लौंडे हैं वो गलती कहाँ करते हैं, जिम में आते हैं और वही सेम वर्कआउट लगाते हैं जो 2 साल बाद एक प्रो लगा रहा है, जो 3 साल बाद एक प्रो लगा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं जिम में जाके बाइसेप्स वर्कआउट कर रहा हूँ, डिफरेंट वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी वर्कआउट देखकर सेम ही एक बिगिनर मेरी वाली वर्कआउट लगाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको बेस बनाना पड़ता है। बेस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है करेक्ट फॉर्म। के लिए आपको पता होनी चाहिए करेक्ट एक्सरसाइज जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छी फिजिक बना सको। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जो लोग देख रहे हैं कि हजारों लोगों को फिजिक बनानी है, बट फिजिक कितने की बनती है? मुश्किल से 3 या 4 लोगों की। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि उनको जिम में कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए। तो मैं करूंगा आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों के लिए कौन सी वर्कआउट बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिम में आपको कोई एक वर्कआउट नहीं लगानी। अगर आप 1 महीने से कम हो जिम में, आप बिगिनर हो, 4 हफ्ते हुए जिम में जाते थे, तो मेक श्योर कि आप जिम में मिक्स वर्कआउट लगाएं, ताकि आपकी बॉडी को पता चले, हर मसल को पता चले कि आप नॉर्मल एक्टिविटी से कुछ अलग करने लग गए हो। तो स्टार्ट करते हैं आपको करना क्या है। तो जैसे आप जिम में नए आए हो तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको कभी भी वो एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें मशीन का यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये चेस्ट की मशीन है, ये होती कैसे है, इसमें बारबेल रोड लगती है और इसको हमको खुद करना पड़ता है। ये आपको क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आप ये खुद से करोगे तो दिक्कत क्या होगी कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप प्रो नहीं हो। जब आप बिल्कुल मैच्योर हो जाओगे अपनी एक्सरसाइज को लेकर, अपनी फॉर्म को लेकर, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करें उन एक्सरसाइज से कि आप गलत कर ही ना पाए। वो एक्सरसाइज कैसी होती है, जैसे ये चेस्ट की इंक्लाइन प्रेसिस है, तो इसमें गलती लोग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप बारबेल से करोगे, जो मैंने बताया आपको, अगर आप बारबेल से करोगे तो आप ऐसे हिला दोगे, पूरा ऐसे हिला दोगे। इससे होगा क्या कि आप प्रॉपर फॉर्म में कभी कर ही नहीं पाओगे और आप अपनी उस मसल को या अपनी बॉडी को इंजर्ड कर बैठोगे और बहुत सारा ब्रेक हो जाएगा और आपका जिम करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ऐसी वर्कआउट करें जिसमें मशीन का यूज हो। ये देखो, अगर मैं हिला भी रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर फॉर्म आ रही है, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, ये मशीन बनी ही ऐसे है ताकि आपकी उसी मसल पे हिट हो सके जिस पे आपको करना है। उसमें अगर आप करोगे जिसमें आपकी मशीन का यूज़ नहीं होता, जैसे बारबेल या डंबल से आप अगर ये करोगे, अगर आप बिगिनर हो, तो दिक्कत क्या होगी, आपके हाथ ऐसे हिलेंगे और आप अपनी मसल की इंजरी कर बैठोगे। तो मेक श्योर कि अगर आप जिम में नए हो तो पहली बात आप मशीन का यूज़ करो। तो चेस्ट के लिए आप ये वर्कआउट कर सकते हो जिसमें आप वेट पहले कम ले सकते हो, उसके बाद फिर बढ़ा सकते हो, उसके बाद फिर से बढ़ा सकते हो, उसके बाद फिर से बढ़ा सकते हो। 4 से 5 सेट रखे और वेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करें। ये ना सोचे कि मेरे से कम लग रहा है तो मैं ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि अगले दिन आपको इतना दर्द होगा आपसे जिम भी नहीं आएगा। सेकेंड वर्कआउट जो आप परफॉर्म कर सकते हो चेस्ट के लिए, वो है एक बटरफ्लाई। सेम, अगर आप बटरफ्लाई कहीं इस बेंच पे करोगे, अगर आप इंक्लाइन बेंच पे बटरफ्लाई कर रहे हो तो आपके हाथ ऐसे जाएंगे। इससे दिक्कत क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। जैसे इंक्लाइन बेंच पे बटरफ्लाई मैं करता हूँ तो लोग मेरी देखम देख करते हैं। अब होता क्या है कि जब मैं बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लगाता हूँ, वो लोग गलती क्या करते हैं, वो ऐसे हाथ वाथ हिल जाता है उनका, और यहाँ से उनका जो शोल्डर है उसमें इंजरी हो जाती है, चेस्ट में इंजरी हो जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप वो वर्कआउट लगाई ना जिससे आपकी खुद की कोई मशीन यूज़ नहीं हो रही है, आपको खुद की एक
इसको बोलते हैं फ्री वेट्स एक्सरसाइज। तो आप फ्री वेट एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना लगाए जिसमें डंबल और बारबेल का यूज हो रहा हो। आप स्टार्ट करें, पैर मुड़ जाता मेरा तो आप स्टार्ट करें मशीन से, बटरफ्लाई मशीन से, और आप देख सकते हो कि इसमें मेरा हाथ या मसल को इंजर्ड होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये मशीन बनी ही इसीलिए है ताकि आपको प्रॉपर फॉर्म पता चल सके। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, पर ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो लोग बिगिनर है, जो लोग प्रो लेवल पे है उन लोगों के लिए हमेशा एक ही सजेशन है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्री वेट एक्सरसाइज करें जो बारबेल और डंबल की होती है। यही डिफरेंस है बिगिनर और प्रो में। तो लेवल वन से डायरेक्ट लेवल थ्री पे ना कूदे। ऐसे ही आप बाइसेप्स की वर्कआउट कर सकते हैं। बाइसेप्स की लोग ज़्यादातर कैसे करते हैं, वो भारी भारी डंबल उठा लेंगे और लगाएंगे और लगेगा हाँ भाई बाइसेप्स बड़े हो गए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आते हैं जिम में तो उनकी मसल में दर्द होता है, उनको लग रहा है कि हाँ भाई अब तो मेरे बाइसेप्स बड़े हो रहे हैं, मैंने तगड़ी वर्कआउट लगाई है। बट आप गलती कहाँ कर रहे हो, पहले आप फॉर्म को सीखिए। फॉर्म को सीखने के लिए बेस्ट है कि आप मशीन का यूज करें। मशीन के लिए आप सेम इसको लगा लें, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आप बिल्कुल सही फॉर्म से करना सीख सकते हो। ये मशीन बनी इसलिए, तो आप यहां से अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं बाइसेप्स। अब देखो डिफरेंस क्या है कि आप बिगिनर में क्यों आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेट्स से ये प्री बेंच है, ये प्री बेंच है उन लोगों के लिए जो लोग खुद से वर्कआउट करना चाहते हैं बारबेल से या डंबल से, और वो पीछे प्री बेंच रखा है वो उन लोगों के लिए जो मशीन से करना चाहते हैं। अगर आप यहां से करोगे वर्कआउट, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहां से कर रहे हो तो अगर आप नए हो तो आपका हाथ नीचे जा सकता है, आपका हाथ हिल सकता है, आपको आपकी जो मसल में इंजरी हो सकती है, आप प्रॉपर फॉर्म का पता ही नहीं, आपको कितनी ऊपर लेके जाना है, कितनी नीचे लेके जाना है, हाथ कितना नीचे रखना है, अपनी कोहनी को कितना ऊपर रखना है, हाथ कितना नीचे खोलना है, ऊपर कितना लाना है, तो ये सारी बातें आपको नहीं पता है। आप स्टार्ट कहां से करें, आप ये प्री चेयर मशीन को लें, ताकि ये मशीन जो आपकी मनमानी है वो चलने ना दे। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल ऊपर उठाना है। ये मशीन बनी ही इसलिए है ताकि आपकी प्रॉपर फॉर्म लग सके। हाँ ये मशीन बहुत बेस्ट है, बट उन लोगों के लिए बेटर है, बहुत बेस्ट है जो लोग बिगिनर है। ये देखो आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते इस मशीन में, और वहाँ आपका हाथ हिल सकता था, आपके यहाँ ऐसे ऐसे हो सकता था, कोहनी ऐसे हो सकती है, आपको पता नहीं है ऊपर कितना लाना है, कोहनी कितनी आगे रखनी है। तो ये मशीन से आप ये बाइसेप्स की वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो बैक की वर्कआउट, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप केबल पुल डाउन से स्टार्ट करें। केबल पुल डाउन में होता क्या है कि आपकी पूरी मशीन है एंड आपको नीचे लाना है, तो यहां से आप अपनी बैक की वर्कआउट भी सीख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट जाओगे किसी मुश्किल एक्सरसाइज में, लेट्स से आप ये वर्कआउट लगा रहे हो बैक की स्टार्टिंग में, मेरे को देखकर ये बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है बैक की वाइड करने के लिए, बट आपको पता ही नहीं है कि लगाने कैसी है, तो इससे आप अपनी बैक को इंजर्ड कर बैठोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उन एक्सरसाइज पे स्टिक हो जाए जो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर मूवमेंट करने के लिए मजबूर कर दे, उन एक्सरसाइज पे कभी ना जाए जो एक्सरसाइज आपकी पूरी खुद की फॉर्म से हो और खुद आपको बैलेंस करना पड़े। चले तो बस आज के लिए इतना ही, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूले, लाइक की वजह से हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो होने लग रहा है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बज जाओ और उस बटन को तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। मेरे पैर में बहुत दर्द है, लेग वर्कआउट किया।
तो अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर आप जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। रोहित कतरी फिटनेस है मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। टिल देन नॉट पीस किंग्स।